खबर जनपद रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से पहले भतुज यानी अन्नकूट उत्सव के दौरान बाबा केदार को नए अनाज का भोग लगाया जाएगा, जिसकी BKTC के साथ साथ समस्त तीर्थ पुरोहितों हक हकूक धारियों द्वारा तैयारियों शुरू की जा चुकी हैं। दरअसल भतुज अनाज अन्नकूट पर्व को लेकर पौराणिक मान्यता है कि बरसात में नए अनाज में जो भी विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, भगवान शिव उस विष को स्वयं ग्रहण करते हैं। इसके बाद सभी नए अनाजों से विषैले रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसी को लेकर केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ मंदिर में रात्रि आरती के बाद पके चावलों के साथ झंगोरा कौड़ी आदि का लेप लगाकर स्वयंभू लिंग पर श्रृंगार कर ढक दिया जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वयंभू लिंग पर लगे पके चावल व नए अनाज के लेप को उतारकर मंदाकिनी नदी में प्रवाहित किया जाता है और अन्नकूट भतुक उत्सव का बड़ा महत्व होता है। रुद्रपुर से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में स्थित भगवान शिव के इस दिव्य हिमालय के उपत्यकाओं में उपस्थित केदारखंड के केदार सिंह पर जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, आज यहाँ अन्नकूट का दिव्य पर्व मनाया जाता है। जब इस जगत में भोज्य पदार्थों पर विष आ गया था तो भगवान शिव ने इसको ग्रही करके इस जगत के कल्याण के लिए, यह जीवात्मा के उदर पोषण के लिए यह भोज्य पदार्थ जगत को बांटा और आज इस दिव्य हिमालय में यह अन्नकूट के नाम से यह पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान को चावल से श्रृंगार करके भगवान केदारेश्वर का जो है दिव्य भव्य आरती ठीक 2 बजे संपन्न की जाती है।